भाई ढाबे के पराठे अगर आपको पसंद है ना, तो बस आप भी बनाइए इस तरीके से पराठे जो देंगे एकदम ढाबे के स्वाद को टक्कर। भाई बनाने में होगा आसान क्योंकि मैं बताने वाला हूँ, और स्वाद बिल्कुल ज़बरदस्त कि आपका पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा। और इस तरीके के लेयर वाला पराठा कि दो पराठे आप ऐसे कर, मतलब लगेगा दो पराठे चिपके हुए हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल लेयर वाला पराठा कैसे बनाते हैं, चलिए बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने फूल गोभी ली है, आधा किलो फूल गोभी को अच्छी तरीके से मैंने पानी से साफ कर लिया है। अब इसे कद्दूकस करना है हमें कुछ इस तरीके से, और एक गोभी को आसानी से कद्दूकस करना है हाथ को बचाते हुए भाई, सेफ्टी के साथ। और कुछ इस तरीके से ये कद्दूकस हो जाएगी तो हमारी एक बहुत बड़ी तैयारी आसानी से यहाँ पर हो गई। गोभी हमारी अब कद्दूकस हो चुकी है, और करते हैं आगे के स्टेप की बढ़िया वाली तैयारी हम। तो एक पैन में मैंने थोड़ा सा तेल, जो भी आपको पसंद हो, तेल के गर्म होते सबसे पहले आधा चम्मच जीरा, जीरा थोड़ा सा तड़क जाए उसके बाद जाएगी इसमें आधा चम्मच सौंफ। भाई सौंफ को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए थोड़ा सा बाद में डालेंगे। और यहाँ पर एक चम्मच किसा हुआ अदरक, भाई अदरक का बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा पराठों में, आप भी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। इनको थोड़ा सा पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं, और बिल्कुल धीमी आंच पर, नहीं तो ये अदरक है ना जलने ना पाए बिल्कुल भी, इसका स्वाद बरकरार रहे। और ये जो हमने अपनी गोभी को कद्दूकस कर लिया था, अब इसकी यहाँ पर भुनाई की बारी है। जितना बढ़िया ये भुन जाएंगे उतना बढ़िया हमारा पराठा बनेगा। थोड़ी देर भुनने के बाद में यहाँ पर आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, और ये आधा चम्मच अपनी पसंद का कोई सा भी गरम मसाला, और नमक स्वादानुसार मैंने यहाँ पर मिलाया लगभग पौना चम्मच, एक चम्मच से थोड़ा सा कम। अब इन सारी चीज़ों को साथ में भून लेंगे। देखिए मैंने 4 से 5 मिनट लगभग पहले भून लिया, उसके बाद यहाँ भून लिया। हाँ मैंने यहाँ पे हरी मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया, यहाँ पर मैं स्वाद के लिए आधा चम्मच लाल मिर्च डाल रहा हूँ। अगर आपको हरी मिर्च डालना है तो आप पहले भी हरी मिर्च डाल सकते हैं, और चाहें तो बिना मिर्च का भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से भून लेंगे ताकि इसका फ्लेवर गोभी के अंदर आ जाए। हमारी स्टफिंग बहुत अच्छी बनेगी ना, तभी पराठों में बहुत बढ़िया जान आएगी। और भुनाई के बाद में श्रद्धा अनुसार धनिया पत्ती, और धनिया पत्ती अगर देसी वाली होगी ना तो वाकई पराठे बहुत अच्छे बनेंगे, हाइब्रिड वाली में वो बात नहीं होती है। तो धनिया पत्ती को अच्छी तरीके से मिक्स करके हम रख देंगे, और देखिएगा कि एक बहुत बढ़िया स्टफिंग आसानी से तैयार होती है अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। और आटा हमने गूंद के रख दिया था पहले ही, तो आटा भी सेट हो गया है, तो आप भी कुछ ऐसे करिए। फिर एक छोटा सा पेड़ा इस तरीके से आप ले लीजिए, उसके बाद में इस तरीके से करेंगे हम इसको, और फिर इसके दो छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। और ऐसा क्यों अभी मैं आपको बताता हूँ। आप चाहें तो नॉर्मल तरीके से बना सकते हैं, पर मैं आपको लेयर वाला पराठा बनाने का तरीका आप बता रहा हूँ। तो दो छोटे छोटे कर लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा हम आटा ऊपर से लगाएंगे, और आसानी से इसको ऐसे फ्लैट करके फिर एक बेलन से हम बेल लेंगे। तो यहाँ पर हमको करनी है दो रोटी की तैयारी, छोटी छोटी पतली पतली सी, तो हल्के हाथों से इस तरीके से बेल लीजिए। इसके बाद में देखिए, आप हमेशा अगर आपको बच्चों को खिलाएंगे ना तो उनको ये वाले पराठे बहुत अच्छे लगेंगे, टिफ़िन में भी कहेंगे हमको लेयर वाले पराठे ही चाहिए। तो देखिए हमारी एक रोटी हो चुकी है तैयार, और दूसरी की है बारी, और ज़रूर खिला के देखिए, आपके बच्चे कभी भी टिफ़िन आपका आधा अधूरा लेकर नहीं आएंगे। देखिए दो रोटी बराबर मात्रा में हो गई है, फिर वो हम जो स्टफिंग तैयार कर ली ना बढ़िया वाली, उसको इस तरीके से पतला पतला फैला देना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं ताकि स्वाद भी बना रहे, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना है, और इस तरीके से फैलाना है। किनारों में हम थोड़ा थोड़ा छोड़ देंगे, क्योंकि दूसरी रोटी जब हम इसके ऊपर प्रेस करेंगे ना तो किनारे से बाहर ना जाए बस स्टफिंग। और देखिए दूसरी वाली रोटी गई ऊपर, और हाथों से हल्का हल्का हम दबा देंगे ताकि ये चारों तरफ से सील पैक हो जाए, और फिर बहुत ही हल्के हाथों से इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा बेलन लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं। और देखिए एकदम हैवी वाला पराठा ढाबा स्टाइल में इस तरीके से हो जाएगा तैयार। तो ये हो जाएगा लेयर वाला। अगर आपको ये नहीं बनाना है, सिंपल बनाना है, तो जैसा आप हमेशा बनाते हैं बस इस तरीके से गोल गोल करके बीच में एक पोटलिया सी बना लीजिए, ये थोड़ी सी इसमें जगह बन जाएगी। तो बस आवश्यकता अनुसार इसमें स्टफिंग भरेंगे, थोड़ी सी देखिए चारों तरफ जगह छोड़ना है ताकि ओवर फिलिंग ना हो, और फिर धीरे धीरे इसको इस तरीके से फोल्ड करके ऊपर से लॉक कर देंगे, और फिर धीरे से दबाएंगे, तो जो स्टफिंग है ना बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, बाहर नहीं निकलेगी। अब यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि इसको बहुत ही हल्के हाथों से अब बेलना है, चारों तरफ बिल्कुल इसके किनारे हैं ना बराबर रहें, कहीं पे कम ज़्यादा ना हो,
तो देखने में भी अच्छा रहेगा और सीखेगा भी बिल्कुल परफेक्ट पराठा। तो ये रहा आसान वाला स्टाइल, और जो आप देख रहे हैं ना, जो खोल के इस तरीके से लेयर दिखा सकते हैं, वो वाला पराठा है, वो बच्चों के लिए बहुत बेहतर रहता है, उनको पसंद आएगा कि कुछ न्यू है भाई, इस तरीके से खाएं। और इसको और बेहतर बनाने के लिए इसमें आप थोड़ा सा पनीर भी ऐड कर सकते हैं, तो फिर आपकी स्टफिंग और बेहतर हो जाएगी। फिर तवा गर्म होने के बाद ही पराठा डालें, और जब एक तरीक सीख जाए उसके बाद में आपको तेल से, घी से, बटर से, जिसमें भी आपको पसंद हो, अच्छी तरीके से भाई सीख लीजिए। ढाबे वाले जो पराठे होते हैं ना, उनकी एक खासियत होती है, कच्चापन बिल्कुल नहीं रहता है, बढ़िया तरीके से सिका हुआ होता है, और हैवी पराठा रहता है, गर्मा गर्म पराठे ढेर सारे हम लोग खा जाते हैं। और ऊपर से इसके बाद में थोड़ा सा बटर रख देंगे तो भाई इसके स्वाद में और भी जान आ जाएगी, ये तो पक्का है। और फिर रायते के साथ, चटनी के साथ, केचप के साथ, जिसके साथ भी आपके घर वालों को पसंद हो, बनाकर ज़रूर खिलाइएगा। कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, और बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस तरीके के ढेर सारे और वीडियोस देखने के लिए आपको पता ही है ना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना है, और इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो करना है, क्योंकि अभी और भी ढेर सारे वीडियोस आपको देखना बाकी है ना, जो होंगे इससे भी बेहतर। और देखिए आपका इतना बढ़िया पराठा बहुत अच्छा होगा तैयार। बस इस तरीके से अच्छा खाइए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।